महापुरुषों की जयंती के अवसर पर महात्मा बसवेश्वर जनसेवा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य की तरफ से सांप्रदायिक कीर्तन का आयोजन किया गया। चैतन्य महाराज वाडेकर ने समाज प्रबोधन करते हुए कहा कि सभी लोगों ने महापुरुष के विचार का अनुकरण करना चाहिए। धन की प्राप्ति हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन उत्तम मार्ग होना चाहिए। इस अभंग पर संतों का विचार बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा बसवेश्वर की जयंती एक साथ सामुदायिक तरीके से मनाई गई। कार्यक्रम के आयोजक महेश किवड़े ने कहा कि महात्मा बरावे शतमन में हुए थे। हम लोगों ने सब मिलकर इस बार शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा बसवेश्वर की जयंती मना रहे हैं। हर साल हम बसवेश्वर जयंती करते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि सब महापुरुष को एक चित्र कार्यक्रम करके हम सब पूरे विश्वास और एक जैसा संदेश जाएगा कि सब महापुरुष का उत्सव होना जरूरी है। चंद्रकांत पाटिल के बारे में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा है और दादा पाटिल एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए हर टाइम पर तत्पर रहते हैं और कार्यकर्ताओं का ताकत देने का काम करते हैं। और दादा पाटिल ने एक कार्यक्रम में अगर हमें शुभकामनाएं दी, इस कार्यक्रम में चंद्रकांत दादा पाटिल, योगेश अन्ना तिड़ेकर, प्रभाकर कदम, योगेश शेलार, राजू कदम, प्रतीक कदम, अन्य मान्यवर उपस्थित थे। अरे, इस प्रोग्राम में आप आए हैं, कैसे लग रहा है आपको? किस तरह से आप प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आज कात्रज नगरी में महात्मा बसवेश्वर जनसेवा प्रतिष्ठान की ओर से प्रतिष्ठान के अध्यक्ष महेश जी किवड़े और उनके सभी कार्यकर्ता की ओर से महात्मा बसवेश्वर जी की, युगपुरु छत्रपति शिवाजी महाराज जी और विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तीन महान युद्ध के संयुक्त जयंती हो रही है और कात्रज नगरी में शायद पहली बार इन तीन महान व्यक्तियों की जयंती का अवसर, जयंती करने का अवसर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो मैं महेश किवड़े जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस कात्रज परिसर में रहने वाले सभी समाज के कार्यकर्ताओं को, लोगों के लिए आज कीर्तन का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। चैतन्य महाराज वाडेकर जी का कीर्तन में है। तो जयंती उत्सव में हम सब लोग देखते हैं कि कुछ कुछ जगह पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ जगह पे नाच गाने का भी कार्यक्रम होता है या कुछ अलग तरह के भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन महेश जी के कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने सोचा कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए हम प्रबोधन का कार्यक्रम रखेंगे। जिन तीन महान विभूति के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग इन जयंती का उत्सव बना रहे हैं, उनको याद करके उनको विचारों को लोगों में प्रदान होना चाहिए और प्रबोधन के रूप में, कीर्तन के रूप में इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में कोई बदलाव आ जाए, उनके जीवन में अच्छे विचार आ जाए, ऐसी सोच महेश जी ने रखी और इसके वजह से ये उन्होंने कार्यक्रम रखा है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इस जयंती उत्सव में बाकी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के या मनोरंजन के कार्यक्रम के सिवाय प्रवचन या प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है। इसके लिए महेश जी का और उनके सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। दादा चंद्रकांत पाटिल भी यहाँ पर आ चुके हैं। ऊना जिले के पालक मंत्री तथा इस राज्य के तांत्रिक शिक्षा, उच्च शिक्षण मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देखो, वो नेता ऐसा है कि कार्यकर्ताओं के साथ और उनके पीछे खड़े रहने वाले कार्यकर्ता नेता है। शायद उनका समय के वजह से उनको आने में एक तो बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था, तो बहुत ज़्यादा लेट होके कुछ कार्यक्रम ठीक नहीं हो सकता और कार्यक्रम रद्द करने की वजह से कार्यकर्ताओं की मानसिकता का भी ख्याल करके उन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो यहाँ पे शायद 5:15 बजे आए और उन्होंने महेश जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के पीछे रहने का काम उन्होंने किया, जिस वजह से सामान्य कार्यकर्ताओं में काम करने की ऊर्जा निर्माण होती है। ऐसे दादाजी है और दादाजी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि कात्रज नगरी में आके इस जयंती उत्सव को उन्होंने उद्घाटन करके सराहा।
महेश जी को भी साथ देने का आश्वासन दिया और एक कार्यकर्ताओं के से जुड़ने का जो प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस प्रयास को आगे लेकर जाने का काम हम सभी कार्यकर्ता इस रूप से कर रहे हैं। थैंक यू। किस तरह से सोचा आपने इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने लोग आए हुए हैं, कैसे सोचा आपने, बात कैसे? हमने ये जो प्रतिष्ठान का हमारा सब कार्यकर्ता है, ये सब कार्यकर्ता का सोच है कि ये महात्मा बसवन्ना ये 12वां शतमान में महात्मा बसवन्ना का जो काम था, महात्मा बसवन्ना ने 12वां शतमान में जो कार्य किया था वो कार्य सब जाति समाज को, सब समाज को एकत्रित करके ये सब जाति धर्म को एक अलग तरीके से यहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास किया था। तो हमने एक छोटा सा प्रतिष्ठान की वती से हम लोगों ने सब मिलके इस बार, हर साल में हम इधर बसवेश्वर जयंती करते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि सब महापुरुषों का एक ही मंच के ऊपर कैसा एक ही एकत्र कार्यक्रम करने को आएगा, ये सब पूरे विश्व को ये कैसा संदेश जाएगा कि ये सब महापुरुषों का एक ही जगह में का उत्सव होना चाहिए, ये जाति धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए आज ये कार्यक्रम हमने आयोजन किया है। दादा पाटिल भी, चंद्रकांत पाटिल भी साहब आते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? दादा पाटिल एक कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा है और दादा पाटिल एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए, वो हर कार्यकर्ता के लिए हर टाइम पे वो तत्पर रहते हैं, वो ताकत देने का काम करते हैं, इसलिए दादा पाटिल ने आके हमको ये कार्यक्रम के लिए भी शुभेच्छा दिया है, शुभकामना दिया है, अगले कार्यक्रम के लिए भी हमको उन्होंने प्रेरणा दे के गए हैं। जिस तरह से कातरीज की जनता जिस तरह से सामने बैठी है आपके, तो उसके उनके उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कातरज पर सहयोग मिला है, ये कातरज की जनता है, ये कातरज की जनता हर टाइम हर दिन ये महापुरुषों का जो प्रोग्राम होता है, हम लोग बहुत साल से यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, तो ये कातरज की जनता जो है सब मिडिल क्लास जनता है, तो ये जनता जो है ये सब अच्छे कार्यक्रम के पीछे हर टाइम खड़े रहते हैं।